सभी मजदूर श्रमिकों के अकाउंट में दिवाली का एक बहुत ही बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से आपके खाते में पहुंचाया जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब तक जिन भी लोगों को सरकार की तरफ से एक भी रुपया नहीं मिला है, चाहे वो वृद्धा पेंशन के तहत हो, विधवा पेंशन के तहत हो या फिर विकलांग पेंशन के तहत हो, अगर आपके परिवार में से किसी को भी एक रुपया नहीं मिला है तो आपको आने वाले वीडियोज़ में ये जानकारी ज़रूर बताई जाएगी कि आप किस तरीके से उनके पेंशन को जारी करवा सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि एक प्यारा सा कमेंट करना है अपनी फैमिली के बारे में और साथ ही ये बताना है कि आपको किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। फिलहाल आपको बता दें कि दिवाली के इस शुभ अवसर पर बता दें कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में विवरण किया जा रहा है। उन्हीं में से एक जानकारी ये निकल कर सामने आ रही है कि दिवाली के खास मौके पर ई श्रम कार्ड, मजदूरी कार्ड और साथ ही जो लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उनके खाते में 5,000 रुपये भेजने की बात कही जा रही है। हालांकि इसके बारे में अब तक कोई पुष्टिकरण नहीं किया गया है। इसके बारे में लगातार सांसद में चर्चाएं हो रही हैं। दिवाली से पहले हो सकता है कि आप सभी के अकाउंट में 5,000 रुपये ज़रूर आए। दोस्तों कुछ निश्चित राज्यों के तहत ये बातें जो है चल रही हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और साथ ही झारखंड मौजूद है। बताया जा रहा है कि पंजाब के भी कुछ श्रमिकों तक इसका लाभ पहुँचाया जाएगा। दोस्तों क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट के बारे में आपको, कॉमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएगा। फिलहाल आपकी आय कितनी है और आपको किन किन चीज़ों की, सरकार की किन किन योजनाओं की ज़रूरत है, प्लीज़ कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा। हम अपने चैनल के माध्यम से सर्वे कर रहे हैं कि आखिर किन किन लोगों तक सरकार की योजनाएं पहुंच पा रही हैं और कौन से ऐसे राज्य हैं जहां के लोग अभी भी इन चीज़ों से पूरी तरीके से बेखबर हैं। दोस्तों आप अपने राज्य के साथ अपने ज़िले का नाम भी कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।